भाई बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर YouTube ना हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रहा है, मतलब हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता लोगों को। अब यार इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में YouTube आपके नोटिफिकेशन नहीं भेजता या फिर YouTube अपना काम सही कर रहा है, ये आपका भ्रम है। आज इस बात को हम प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आ गए और ऐसे ही कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली टेक। तो चलिए दोस्तों अब टॉपिक की बात करते हैं। तो भाई यहां पे सबसे बड़ी बात यह कि क्या सच में YouTube हमारे नोटिफिकेशन नहीं भेजता, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है। इवन मैं भी यही सोचता था कि यार YouTube मेरे नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजता, भाई इतने सब्सक्राइबर है। लेकिन जब मैंने इसकी सच्चाई को जाना प्रैक्टिकली तो मुझे लगा कि यार YouTube अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहीं और है। तो चलो मैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और आपको भी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। तो भाई आज का हमारा जो डाउट था वो ये था कि YouTube हमारे नोटिफिकेशन आखिर भेजता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना चैनल ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली वीडियो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वीडियो है, ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, इस ये वाली वीडियो, जैसे ये 22 मिनट का वीडियो है और इस पर 98K व्यूज़ अभी हो चुके हैं, काफ़ी व्यूज़ है। फिर भी हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन कितने लोगों को भेजा YouTube ने। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे अब एक छोटी सी चीज़ है एनालिटिक, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है एनालिटिक दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए रीच का एक ऑप्शन आता है, बस आपको इस पर ही क्लिक कर देना। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप आ जाइए नीचे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है। YouTube कहता है कि भाई हमने तो 100% लोगों को आपका नोटिफिकेशन भेज दिया था, लेकिन अब भाई 100% लोगों को नोटिफिकेशन भेजा तो मेरे तो भैया 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि 2,93,000 लोगों ने ही सब्सक्राइबर का जो नोटिफिकेशन बटन है उस पर क्लिक किया हुआ है। नहीं समझे आप बात को, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस पर आप जाइए, यहाँ पर लिख रखा है कि जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको जो टर्न ऑन कर रखा है ना, वो इतने ही लोगों ने कर रखा है। यानी कि कुल मिला के सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको इतने ही लोगों ने दबाया हुआ है और उनको देखो YouTube ने 100% नोटिफिकेशन भेज भी दिया है, ठीक है। और जो बेल नोटिफिकेशन है उससे 1,500 व्यूज आए भी है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है व्यूज फ्रॉम बेल नोटिफिकेशन। यानी कुल मिला के हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उनमें से बहुत कम लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखते हैं, और जो रखते हैं उनको 100% YouTube जो है नोटिफिकेशन भेजता है। अब ये तो एक वीडियो की बात हुई, अब हम कोई ऐसी वीडियो चुनते हैं जिस पर बहुत ही कम व्यूज़ आए हों और उसकी रीच देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा पुराना वीडियो है, दिसंबर में मैंने बनाया 2021 में, ये एक वीडियो है, एक स्पॉन्सर वीडियो था ये, और यहाँ पे सिर्फ 12,000 ही व्यूज़ आए। तो इसका हम रीच एक बार देखते हैं एनालिटिक में जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये वीडियो मैंने डाला था, ये थोड़ा पुराना वीडियो था, उस वक्त 2,89,000 लोगों ने ही जो है नोटिफिकेशन जो था उसको बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन किया हुआ था और 100% नोटिफिकेशन YouTube भेज चुका है। तो कुल मिला के बात यह है कि लोग हमें सब्सक्राइब ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन जो बेल नोटिफिकेशन होता है वो कम ऑन करते हैं। अब जितने कम ऑन करते हैं उतने ही लोगों को ये भेजता है, और उनमें से जितने लोग आपकी वीडियो को देखते हैं वही व्यूज हमारे नोटिफिकेशन में आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ट्रैफिक सोर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन से व्यूज 27% ही मुझे मिला, जो भी 12,000 व्यूज थे, बाकी जो मुझे व्यूज मिला वो यूट्यूब सर्च से भी मिला है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूज मिला हमें ब्राउज फीचर से। और अगर मैं बाकी वीडियो की बात करूं तो एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि क्लिक थ्रू रेट भी हमारा जो है कम था। अब यहां पे इस वीडियो को देखो, इस वीडियो पे हमें 1,51,000 व्यूज मिला है, इंप्रेशन 1.5 मिलियन गए, 7.9% क्लिक थ्रू रेट गई है ओवरऑल, तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर बात करें नोटिफिकेशन की तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी YouTube कहता है कि भाई जिस वक्त आपने वीडियो पब्लिश करी थी 2,88,000 लोगों ने जो है ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ था, जिनको 100% नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जब गया उसकी क्लिक थ्रू रेट जो थी वो 1.1% थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी। बाकी आप जो देख रहे थे तो उसमें देखा आपने कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.5% आ रही थी, और ये जो टिपिकल यूट्यूब पर नोटिफिकेशन क्लिक थ्रू रेट होती है ये मात्र 0.5% से लेकर 2.5%
परसेंट तक ही होती है, यानी 2.5% तक ही ज़्यादा ज़्यादा जाती है, तो 1.1% कोई ज़्यादा खराब हमारी नहीं है। ज़्यादातर जो व्यूज़ आए हमको यूट्यूब सर्च से आए हैं या फिर ब्राउज फीचर से आए हैं। तो कुल मिला के जब आपको लगता है कि यूट्यूब हमें नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमें जो व्यूज़ पर फोकस करना है वो यूट्यूब सर्च या ब्राउज फीचर पर करना है। क्योंकि नोटिफिकेशन की तो स्थिति मैंने आपको बता दी, एक तो हमारे सब्सक्राइबर जितने होते हैं उतने लोग नोटिफिकेशन पर जो है क्लिक करके नहीं रखते, और उनमें भी जो नोटिफिकेशन क्लिक थ्रू रेट होता है वो जो टिपिकल होता है YouTube पे, वो मात्र आधा से 2.5% ही होता है। बट ऐसा नहीं है कि YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता, YouTube 100% नोटिफिकेशन भेज देता है। आप खुद भी अपने एनालिटिक में ये चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टेंशन आपकी क्लियर हो गई होगी और अब आप निश्चिंत होकर YouTube पे काम करेंगे। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में ये समस्या क्या है और व्यूज जो है वो कैसे आते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर किया। आजकल जो व्यूज है नोटिफिकेशन से तो लोग हमारे वीडियो देखते ही नहीं है, लोग देखते ज्यादातर ब्राउज फीचर से या फिर सर्च में जाती है वीडियो या सजेस्टेड में जाती है। क्योंकि नोटिफिकेशन का मैंने पूरा फंडा आपको समझा दिया प्रैक्टिकली। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, लाइक जरूर करना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह का कॉन्टेंट मैं बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।